हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार और आप सबकी दुआ से हम सभी अपने घरों में ठीक ठाक हैं। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो स्पेशली उस चीज़ के लिए है जो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, भाई अगर कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है ना न्यूज़ीलैंड का, तो ट्राई करो जेन्युइन तरीके से आने की। मतलब डॉक्यूमेंट अपने जेन्युइन रखो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ फ्रॉड मत करो जिसके चलते आपको बाद में बहुत लॉन्ग टाइम में पछताना पड़ जाए। क्योंकि आप कोई चीज़ एक बार एंटर कर देते हो ना, उसके बाद आपको कोई भी तरह का वीज़ा अप्लाई करना है तो वो चीज़ें कंटिन्यू करती रहती हैं और कभी ना कभी तो यार पकड़ा ही जाता है बंदा ना, तो बाद में उस पछतावे से बेटर है वो काम करें ही ना हम लोग, है ना। आज की वीडियो में आपको एक ऐसी न्यूज़ ही बताने वाला हूँ तो आपको खुद लगेगा भी यार क्या कर रहे हैं, अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने। तो आज की वीडियो को आप ज़रूर देखना तो आपको भी पता चलेगा भी कितना इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बोलते रहते हैं ना भी हम इंडियन बहुत जुगाड़ू हैं, हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा ही लेंगे, तो ये उसी के रिगार्डिंग है। किसी बंदे ने जुगाड़ लगाया और जुगाड़ उसका ऐसा लगा भी, पहले पहले तो उसका चलता रहा ऊपर चढ़ता रहा, और बाद में जब गिरा ऐसा गिरा तो उसको जमीन पर भी जगह नहीं मिली। ये बात है अपने एक इंडियन बंदा है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो भी मेरा सोर्स लिंक है, जो भी न्यूज़ है ये, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा मैं। ये बात है एक बंदे की। तो वो आया था न्यूज़ीलैंड में किसी टाइम पे, तो वो आया था न्यूज़ीलैंड में किसी वीज़ा पे आया था, आप कोई भी वीज़ा समझ लो, क्योंकि उन्होंने डिटेल मेंशन नहीं की भी वो किस वीज़ा पे था। हुआ क्या भी, वीज़ा उसका ख़त्म हो गया पर उसने कंट्री नहीं छोड़ा, है ना। क्योंकि जब आपको कोई वीज़ा मिलता है तो उस पर साफ साफ कंडीशन लिखी होती है भी आपको इस डेट से पहले इस कंट्री को छोड़ना है ना। क्योंकि वीज़ा जो मैं बोलता रहता हूँ ना भी, अगर आपने इस वीज़ा में यहाँ के कन्वर्ट करवाना है तो आपको उसके अंदर करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वीज़ा कंडीशन में लिखा हो भी आपका वीज़ा इतनी तारीख को ख़त्म हो रहा है और इस तारीख से पहले पहले आपको ये कंट्री छोड़नी पड़ेगी। तो उसके साथ यही हुआ भी, उसका वीज़ा तो ख़त्म हो गया, मतलब सपोज़ करो आप उसको बोल दिया भी 30 जून बोल दिया भी 30 जून से पहले पहले आपको न्यूज़ीलैंड को छोड़ना है, और उसने छोड़ा नहीं। और ऑफिशियली क्या होता है भी, जिस तारीख को आपका वीज़ा ख़त्म हो गया और उससे पहले आपने कंट्री को नहीं छोड़ा, उसके बाद आप उस कंट्री में इलीगल हो जाते हो, है ना। क्योंकि आपके पास कोई वीज़ा ही नहीं है, कोई लीगल आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेस पे आप उस कंट्री में रह सको। अब इसके चलते हुआ क्या, अब वो इलीगल हो गया, अब उसने कोई ना कोई जुगाड़ लगा के वो इंडिया चला गया जी, डिपोर्ट हो गया समझ लो, हो गया डिपोर्ट। अब इंडिया में जाके उसने क्या किया, अपना सारा कुछ चेंज करके, अपना नाम बदल दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ सब कुछ बदल के उसने नया पासपोर्ट बना के उसने न्यूज़ीलैंड में अप्लाई कर दिया वीज़ा के लिए। जो मर्जा नहीं कौन सा वीज़ा अप्लाई किया उसने, अप्लाई कर दिया वीज़ा मिल गया जी, यहाँ आया, फिर से स्टार्ट किया सारा हिसाब किताब सारा, मतलब करते 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 वो इस लेवल पे पहुंच गया भी उसको रेजिडेंसी मिल गई। कितने लोगों का ड्रीम होता है भी हम कहीं ना कहीं रेजिडेंसी तक पहुंच जाएं, उसको जी रेजिडेंसी मिल गई। अब रेजिडेंसी मिलने के बाद जब इमिग्रेशन को पता चला भी यार कोई ना कोई झोल है, पता नहीं कैसे पता चला, क्योंकि अभी तक वो चीज़ सामने नहीं भी पता कैसे चला, पर उसका झोल पता चल गया। अब उसके सामने वो चीज़ आ भी गई, मतलब है ना, उसने एडमिट भी कर ली भी हाँ मैंने ये किया है, मैंने अपना नाम बदला, अपना डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ बदल के एक इंडिया से नया पासपोर्ट बना के सारा, उसने वो मान लिया। अब उसको सज़ा क्या मिल रही है, पहले तो उसको शायद 8 महीने पता नहीं 7 महीने होम डिटेंशन में, पता नहीं 3 महीने, मतलब श्योर नहीं, 3-4 महीने शायद होम डिटेंशन में डाल दिया। होम डिटेंशन में तो इसलिए डाला भी वो कहीं और ना भाग जाए। अब उसके ऊपर परमानेंट बैन लगा के उसको कंट्री डिपोर्ट करने की बात चल रही है। कंट्री डिपोर्ट मतलब सोचो उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, कितना टैक्स भरा होगा, सारी चीज़ें की होंगी, अपनी फैमिली से दूर होगा, पता नहीं क्या क्या पापड़ वेले होंगे भी, रेजिडेंसी तक पहुंचा वो। रेजिडेंसी मतलब बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात मतलब भी कम से कम नहीं तो उसने 5 साल मिनिमम लगाए होंगे रेजिडेंसी तक पहुँचने तक, जस्ट बिकॉज भी उसने एक टाइम पे उसने गलत डॉक्यूमेंट दिया था, गलत फ्रॉड किया था, मतलब इमिग्रेशन के साथ एक फ्रॉड ही माना जाता है यहाँ पे, अगर गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो। अगर आपने वो फ्रॉड किया है तो वो उसकी सज़ा आपको कब मिल रही है वो आप तय नहीं कर सकते, कोई कभी ना कभी, जब भी आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ पे रेजिडेंस हो, आप सिटीज़न हो, कोई हो, अगर आपने कोई क्राइम किया है, अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, डॉक्यूमेंटेशन में इमिग्रेशन को कुछ गलत चीज़ें दी हैं, तो आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी।
तो कोई, मैं वही बोल रहा हूँ भी, आप रेजिडेंसी पे पहुँचने के बाद भी आपको डिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत रेयर होता है। लोग बोलते हैं ना भी, वो तो पक्का है, उसको तो क्या ही होगा, वो तो पीआर है, उसको क्या होगा, वो तो सिटी। यहाँ पे क्राइम मतलब क्राइम, रेजिडेंस होने के बाद भी उसको डिपोर्ट कर रहे हैं, सोचो। तो वही है भी, क्या गलती क्या थी, एक छोटी सी गलती थी भी, अगर वो टाइम रहते वहाँ से चला जाता फिर आ जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। सपोज करो किसी रीज़न की वजह से आप लेट हो जाते हो, किसी और के साथ अगर ऐसा सीन बन रहा है भी, वो लेट हो गया, वो उसको 30 तारीख को जाना था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 30 जून को जाना था, वो 30 जून को नहीं जा पा रहा, इमिग्रेशन को इन्फॉर्म कर दो भी, यार मैं 30 तारीख को नहीं जा पा रहा, मैं ये प्रॉब्लम होगी, मैं विद इन मुझे एक हफ्ते का टाइम दो, मैं निकल जाऊँगा। तो अब वो आपको, आपके ऊपर कोई कोई एक्शन नहीं लेंगे। बार बार मेरे फ़ोन का स्टैंड गिर रहा है, हवा बहुत चल रही है, तो हो सकता है आपको पहली फ्रेम में कुछ अलग सा मैं कहीं और पे दिख रहा हूँ, कहीं और पे दिख रहा हूँ अभी, पर बात सिर्फ ये है अभी मैं आपको क्या बता रहा था भी, इन केस आप किसी रीज़न की वजह से एक दो दिन जाने में लेट हो गए और आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, इमिग्रेशन को इन्फॉर्म करो और उनसे रिक्वेस्ट करो भी मुझे एक हफ्ते का, दो हफ्ते का टाइम दे दो, हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस वो दे देते हैं भी, कोई बात नहीं, क्योंकि वो एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद आपसे फिर आपका चेकअप करते हैं भी, बंदे ने कंट्री को छोड़ा या नहीं छोड़ा। तो आप ले सकते हो, क्योंकि एक दो दिन के चक्कर में या हफ्ता 10 दिन के चक्कर में आप परमानेंटली आप वहाँ उस कंट्री में फ्रॉड के केस में नहीं आओगे। अब देखो उससे गलती हुई, उस गलती की सजा कितनी भारी पड़ गई, मतलब कितनी, किस, आप सोचो ना, अब कोई बंदा जीरो से स्टार्ट करके इस लेवल पे भी गया और वहाँ से सीधा फिर वहीं पे आ गया, वो कितने साल लगे और उस साल की सारी मेहनत जीरो हो गई उसकी। तो उसके चलते भाई मैं तो बार बार ये बोलता हूँ भी, कोई भी वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो, प्लीज़ फॉलो द वीज़ा कंडीशंस, वीज़ा कंडीशन को फॉलो जरूर करो, चाहे कुछ भी लिखा हुआ किसी भी चीज़ में। अगर आपको लग रहा भी यार ये डाउट आ रहा है या मैं ऐसा करूँ ना करूँ वो करूँ, इमिग्रेशन से पूछो बेस्ट, ठीक है, पर तोड़ो मत, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है आपको कोई ऑप्शन मिल जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस कंट्री में आके काम करने की, किसी भी कंट्री में, मैं बोल रहा हूँ किसी भी कंट्री में, जहाँ पे आपने पहला आके आपने वीज़ा कंडीशन तोड़ी, हो सकता है बाद में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, पर जस्ट बिकॉज आपने उस टाइम गलती की थी आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो बस मेरा तो आपको सिर्फ यही सजेशन है भी, रूल्स फॉलो करो, प्रॉपर जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के साथ कोई वीज़ा अप्लाई करो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अगर आप जेन्युइन हैं तो कोई आपके साथ गलत नहीं करेगा। बाकी खुश रहो, प्यार बांटते रहो, अपने आस पड़ोस सबका ख्याल रखो, सबको खुशियां बांटो, जितना हो सके सबकी हेल्प करो, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तब तक के लिए रब रखा।